आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2। ये टोटल प्रश्नावली त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल पर आधारित है। इसके बनाने से पहले आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसका कोण जो है 60 डिग्री है। प्रश्नावली 12.2। प्रश्नावली 12.2 का सबसे पहला क्वेश्चन है, एक त्रिज्यखंड है जिसकी त्रिज्या दी हुई है। एक त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड ऐसा जिसकी त्रिज्या दी हुई है कितना? 6 सेंटीमीटर। और थीटा दिया हुआ कितना? 60 डिग्री। तो क्या इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप यहां लिख लीजिए आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान रखेंगे यहां पे। थीटा कितना है? 60 डिग्री। 60 बटा 360 गुने पाई का मान रख देंगे और आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर की जगह पे 6 गुने 6 कर दिए। इसको काट दीजिए, इसको काट सकते हैं। 36 6 से कट जाएगा और इसको भी 6 से 6 कट गया। तो आप इसको गुणा कर दीजिए, 22 गुने 6 कर दीजिए। इसको भाग कर दीजिए या तो दशमलव में या तो बट्टा में। तीन आंसर होगा। ऐसा कितना दिया? देखिए अगर इतना ही देख रहा है तो गलती किया है। पूर्णांक में होना चाहिए था इसको। तो आंसर जो है ना हमेशा पूर्णांक बटे में दशमलव में होना चाहिए। समझ गया? गलती दिया है तो बात नहीं है। ये हो गया है ना। बस आपको ये फॉर्मूला याद है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 पर आया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दी हुई है। इसकी परिधि दी हुई है कितना? 22 सेंटीमीटर। एक वृत्त है, वृत्त की परिधि दी हुई है। वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है? वृत्त की परिधि से त्रिज्या निकाल लीजिए। और चतुर्थांश किसे कहते हैं? देखिए वृत्त का जो चौथा भाग होता है उसे चतुर्थांश कहते हैं। वृत्त का चौथा भाग को कहते हैं चतुर्थांश। यानी चतुर्थांश का मतलब हो गया चौथा भाग और इसमें थीटा हो जाता है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि टोटल होता है 360 और 360 को चौथाई करेंगे तो कितना होगा? 90। तो इसका थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, वृत्त की परिधि से त्रिज्या निकालिए। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर दिया हुआ है कितना? 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर बराबर 22। 2 पाई का मान यहाँ 22/7 रख दूंगी, आर का मान पता नहीं है, बराबर 22 तो दिया ही हुआ है। इससे आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा? 7 जाकर गुना हो जाएगा और 2 से आकर भाग हो जाएगा। आर निकल गया कितना? 7/2 सेंटीमीटर। 7 इधर भाग का तो गुना हो गया और गुना का तो ये भाग हो गया, तो आर निकल गया 7/2 सेंटीमीटर। थीटा दिया ही हुआ है, चतुर्थांश का थीटा कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। तो थीटा दिया ही हुआ है और केंद्रीय कोण यानी थीटा बराबर कितना है? क्योंकि थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री। अब फॉर्मूला जानवे करते हैं। चतुर्थांश का फॉर्मूला नहीं लिखे गए थे, आप लिखे क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल गए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे 90 डिग्री थीटा है, तो चतुर्थांश भी कह सकते हो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या आप इसको नहीं कह चाहते हैं क्योंकि एग्जाम यहाँ क्वेश्चन क्या दे रहा है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं लिखे गए क्योंकि चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल क्या लिखेंगे
थीटा बटे 360 यानी कि 90/360 गुने पाई आर स्क्वायर गुने पाई पाई का मान लीजिए 22/7 आर स्क्वायर आर कितना निकाले हैं अभी 7/2 गुने 7/2 कर दीजिए हो जाए इसी को सॉल्व क्लियर कर जाएगा कैसे निकालिएगा सॉल्व कर लीजिए 9×4=36 चार से कट जाएगा 7 से 7 कट गया और आपका ऊपर कितना आ गया 22×7=32 बटा कितना आ गया नीचे में 4×7=8 सबला में लिख दीजिएगा या पूर्णांक में भी लिख सकते हैं तो इतना आसान था इसे करना क्या था परिधि दिया हुआ था तो परिधि रख लिए परिधि बराबर 22 दिया था 22 दिया परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr रख के r निकालिए त्रिज्या निकालिए और थीटा चतुर्थांश में 90 डिग्री होता है याद कर लीजिएगा चतुर्थांश का थीटा जो होता है कितना होता है 90 डिग्री तो इसे आप थीटा निकालिए थीटा निकालिए क्या बस आराम से आपको पूरा पेपर में निकालिए ठीक है किसान में क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा देखिए इसमें करा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई दूरी है 14 सेंटीमीटर घड़ी की मिनट की सुई कोई भी घड़ी होता है इसमें मिनट की सुई एनालॉग वाला घड़ी में होने करता है इसका जो घड़ी की मिनट की सुई जो है ना उसकी लंबाई दूरी 14 यानी कि वृत्त की त्रिज्या 14 है आर दिया है 14 सेंटीमीटर और क्या कह रहा है इस मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित किया गया चित्र 5 मिनट जो चलेगा ये 5 मिनट में यहाँ से यहाँ आ जाएगा है ना तो यहाँ पे है 5 मिनट आयु तरफ जाते हैं यहाँ पे गए अभी मान लीजिए कि 8 पे था तो 9 हो जाएगा इतना दूरी चलेगा तो अब ये जो क्षेत्रफल बना है ये क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल निकालने का है तो हमको तो चाहिए आर और थीटा है ना थीटा निकल गया तो हो गया काम खत्म तो घड़ी की मिनट की सुई अगर एक राउंड यहाँ से माने एक राउंड माने एक मिनट ऐसे घूमेगी तो क्या डिग्री कोण बनाएगी 360 डिग्री का खत्म यानी कि 60 सेकंड में घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में क्या डिग्री कोण बनाएगी घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में 60 मिनट में केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाती है केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाती है देखिए क्योंकि घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाती है 60 डिग्री का कोण बनाती है नहीं कोण बनाती है ना 360 डिग्री को बनाती है तो अब हम इसे निकाल सकते हैं इसीलिए घड़ी की मिनट की सुई एक मिनट में केंद्र पर 360/7 यानी कि 6 डिग्री 100 डिग्री का कोण बनाएगी कोण बनाएगी है ना एक मिनट में कार्य कोण बनाती है 6 डिग्री का एक मिनट का सीरीज का कार्य कोण बनेगी 6 डिग्री जो चलता रहता है वो सेकंड का सुई चलता है एक राउंड लगाता है तो वो बेचारा 1/6 सेकंड लगता है ना तो एक मिनट जब चल जाएगी तो 6 सेकंड को बनाएगी तो 5 मिनट का कार्य बनाएगी इसीलिए घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में केंद्र कितना मिनट को बनाएगी 1 मिनट में 6 डिग्री का तो 5 मिनट में 5×6 = 30 डिग्री का 30 डिग्री को बनाएगी इसका मतलब ये हो गया कि जब घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट चलेगी तो केंद्र पर 30 डिग्री को बनाएगी तो थीटा कितना हो गया थीटा हो गया इसका कितना 30 डिग्री
हो गया, लिखेंगे अतः क्या इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए इस सुई द्वारा क्या, इस कौन सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा, इस सुई द्वारा 5 मिनट में, 5 देखिए उसी में से लिखे हुए, ध्यान से 5 मिनट में लिखा हुआ है उसमें, 5 मिनट में क्या लिखा हुआ है, रचित क्षेत्रफल क्या है, रचित क्षेत्रफल, रचित ऐसे लिख लीजिए, तब आप क्या कीजिए फॉर्मूला को बैठा लीजिएगा, अब इसमें रख दीजिए, सिंपल सी बात है, थीटा कितना निकाले हैं अभी आप, 30/360 गुणे पाई का मान कितना दीजिएगा, 22/r2, आर कितना है इसका, 14 दिया हुआ था ऊपर ही दिया हुआ है, 14 × 14, अब इसको काट कर लीजिए, तो वही बात ऐसे नहीं काटी, हाँ 12 से कट जाएगा, बात ये 12 से कट जाएगा, अब इसको काटिए 7 × 14, और भी काट सकते हैं इसको, इसको काट सकते हैं, इसको काटी जाती हो जाएगा कितना, इसी से काटा काट दिए 6 हो गए, और भी काट सकते हैं, ये काटेगा तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 हो गया, तो आप क्या है इसको, इसको सोचते आप इसको नहीं काटते, इसको ही काट दीजिए 14 हो गया, अब देखो ऊपर कितना बच गया, ऊपर कितना बच गया, 22 × 7 यानी 154, नीचे कितना बच गया, 3 cm². बस यहाँ पे एक के बाद ध्यान रखना है कि घड़े की मिनट की सुई जो है ना, घड़े की मिनट की जो सुई होती है वो 1 360 मिनट में 360 डिग्री घुमाती है, तो 1 मिनट में 360/6 यानी 6 डिग्री घुमाएगी, और 5 मिनट में 5 6 में जितना गुना, 10 मिनट में निकाला मान लिया, अगर 10 मिनट चलेगा तो आप क्या कीजिए 6 में 10 से गुना कर दीजिएगा, 6 डिग्री को बना, 1 मिनट में क्या डिग्री को बना रही है, कौन बना रही है, 1 मिनट जब घूम रही थी 6 डिग्री को बना रही है, बस दिमाग में रखना है, अगर 20 मिनट कहेगा तब क्या कीजिए 20 × 120, समझ रहे हैं आपको, मतलब क्या हुआ कि आपको ये समझ, घड़ी की जो मिनट की सुई चलेगी ना, तो 1 मिनट जब चलती है ना 1 मिनट तो 6 डिग्री को बनाती है, 1 मिनट जब चलेगी तो 6 डिग्री को बनाएगी, 60 मिनट चल जाएगी तो 360 डिग्री को बनाएगी, सिंपल सी बात है, घड़ी की मिनट की सुई तक समझ में आ गया आपको, आगे कि नहीं आया, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है, आर दिया हुआ है, कितना दिया है, क्या दिया है, आर क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, केंद्र पर समकोण, तो संगत वृत्त खंड का, संगत वृत्त खंड का क्षेत्र निकालना है, इसका क्षेत्र निकालना है, देख रहे हैं इसका क्षेत्र निकालना है, वृत्त खंड का क्षेत्र निकालना है, अच्छा वृत्त खंड का निकालना है, और संगत लघु वृत्त खंड माने लघु वृत्त खंड का क्षेत्र निकालना है, और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का निकालना है, और त्रिज्य खंड जो बन रहा है बाहर वाला ये देख रहे वाला छप्पर हिसाब भी निकालना है आपको, ठीक है, तो बात की बात है, पहले ये वाला निकाल लेते हैं, क्या पहला नंबर क्या करना है, क्योंकि संगत संगत क्या करना है आपको, लघु वृत्त खंड है ना, देखिए किताब में वृत्त खंड जानते हैं आप क्या होता है, कमला जानते हैं, कमला को यहाँ नहीं दीजिए बस पढ़ा दीजिए, किताब बताइए ना बड़े दीजिए किताब लीजिए आप,
क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस आर आर स्क्वायर। हमला याद किए काम आया। अब आराम से इस पर आपको कुछ नहीं करना है। इसमें थीटा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। थीटा का मान कितना 90 बटे 360 गुने पाई का मान रखिए 22 बटे 4 गुने आर तो कितना 10। पाई का मान तक तो आर रखने के ऊपर आप 3.14 रखिए उसका ही बात मान रखिए। पाई का मान 22 बटे 7 होता है 3.14 भी होता है उसका ही बात मानिए लिखा हुआ है। आर स्क्वायर यानी कि आर कितना है 10 10 गुने 10 कितना काम से लिखा है माइनस है तो माइनस हाफ है तो हाफ आर स्क्वायर यानी कि 10 गुने 10 साइन थीटा माता कितना 90 डिग्री बन जाएगा। थीटा कितना हो गया 90 डिग्री आप इसको मान रख दीजिए बन जाएगा। इसे को सॉल्व करना है देखने में बहुत ज्यादा लग रहा है बहुत आसान है पर नौ चौका 36 का नहीं इसको है ना चार नौ चार से करेंगे चार से कट गया। अब क्या कीजिए इस सबको गुणा कीजिए इसमें 10 कहा 100 होता है ना 100 से गुना किया 10 आगे निकल जाएगा यानी कि 3.14 में 100 से गुना कीजिएगा ना तो 314 आएगा कितना आएगा 314 आप ऊपर करके देख लीजिएगा ऊपर डाउट है ऊपर करके देख लीजिएगा। अभी चार बटा में ग्रहण दीजिए चार कार्टून बाद में करेंगे अभी अभी कार्टून नहीं दीजिए इधर का ही देखिए इधर का भी वही काम दीजिए हाफ तो ये है 10 में 10 कितना है 100 है 100 50 कर दीजिए इसको इधर जाए तो 50 जाना देना कर दीजिए 50 साइन 90 का मान कितना होता है एक होता है साइन 90 का मान साइन 90 का मान यहाँ रखिए क्या अभी तो सॉल्व कर लीजिए ऐसा बट्टा बट्टा मैंने इसका बट्टा कुछ नहीं था क्या एक है तो चार लघुतम हो गया 314 माइनस गुना किया तो 50 का कितना आ जाएगा 50 का 300 घटाइए तो कितना आएगा 114 314 में 200 घटा लीजिए कितना 114 बटा काट भी सकते इसको दूसरे काट लिया दूसरे दूसरा काटेंगे कितना आएगा 6 5 10 57 बटे 2 कितना आएगा 57/2 भाग लगा कर देखिए भाग लगा कर दशमलव में दिया हुआ है सर दशमलव में है ना दशमलव भाग लगा कर गिन लीजिएगा 2×4 कटेगा 7×2 जगह कितना 17 2×8 16 1.5 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है ना अरे भाग दो से भाग देना था आप बोले दशमलव करो मिल गया था एकदम आसान है आपको ये फॉर्मूला याद है और रख के काटने आ रहा है काटने अब एक बार कुछ बच्चा गलती क्या करता है इधर वाला से इधर वाला काटेगा माइनस 20 में आ गया ना माइनस 20 में आ गया तो इसका मतलब हो गया ये वाला पार्ट अलग हो गया ये वाला पार्ट अलग हो गया एने का काट पूरे नहीं किया एने का काट पूरे नहीं किया लाट बड़ा घटाव कर दिए कुछ बच्चा गलती जो करता जाता है बच्चा यहीं पे करता है ये चार से एने गाड़ी काटेगा गलती करेगा एने के और कैसे काट दीजिएगा ये माइनस से अलग हो जाता है माइनस जब तक गुना भाग रहा था एक रहता है जैसे माइनस प्लस आता है दो हो जाता है ना इतना ध्यान रखते हैं ताज में गलती बने कोई साथ से नहीं घर जाके सोइए तैयार करें गाड़ी में जाके पटिया पटिया क्लास में कल चीज हुआ घर जाकर तबियत खराब है क्या करे तो कर क्या करे चार महीना घर हो एग्जाम से देखा चार महीना पहले एग्जाम दे दिया बोला देते सुन देखिए संगत तृतीय खंड का सफर निकाल तृतीय खंड क्या है देखिए उसी में आपको ध्यान दिए संगत दीर्घ तृतीय जो आप निकाले हैं यहाँ पे नवे निकाले नवेड़ी वृत्तखंड निकालिए निकालिए इसका क्षेत्रफल हम निकाले हैं ताया कितना अभी निकाले हैं 10 इससे पहले ये निकाले हैं कितना निकला है 28.5। अब कह रहा है इसी में जो बचा हुआ भाग है मतलब क्या कि अब उधर वाला भाग लिख दिया इसको बोलते हैं दीर्घ तृतीयखंड तृतीयखंड माने ये होगा पूरा तृतीयखंड हो गया इसका क्षेत्रफल निकाल दिया
थीटा से अपन निकालेंगे वो क्या चाहिए भाई, थीटा मकड़ी की जाल, थीटा और आर चाहिए, नहीं थीटा और आर, थीटा कितना हुआ इसका बताइए, पूरा होता 360, 90 घट जाए कितना आ गया 260, 360 में से 90 घटाए तो कितना आएगा, त्रिज्या तो नहीं बस, त्रिज्या 14 तो नहीं घटाएगा, त्रिज्या कितना है 10 है, 10 हो गया, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, संकट दिया क्या देखिए, दिया है क्या दिया, आर बराबर कितना 10, और थीटा बराबर कितना 260, 360 माइनस 90 बराबर 210, 90 क्या घटा दी है भैया, 90 इन्हें घटेगा नहीं बोला, 90 था इसमें, 90 था नहीं घटा दिए, कितना है उधर 270, तो आप लिखेगा संगत, चूंकि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, ध्यान दीजिएगा त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड साथ ही आते अलग है, अलग अलग है, खंड भी करती है, सब ध्यान दीजिएगा गड़बड़ दिया था, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, इसी फॉर्मूला पर अभी हो जाएगा, है ना, दिखा दिया तुम लोगों को, नहीं दिखाया जाता क्या पीछे पसंद आए, दिखा कर जाओ, दिखाई देता हूँ यहाँ से पूरा पीछे निकल जाओ, दिखाई नहीं दे रहा है तुम यहाँ बोलते खड़ा, मुझे जो दिखाई देता है पीछे का ही वहाँ पे पीछे जगह है, अब दिखाई नहीं देगा, मान लीजिए थोड़ा सा दिखाई जाता है, नहीं दिखाई जाता गड़बड़ है, जितना हम लिखते हैं लगातार उस सब लगातार दिखाई देना चाहिए, खम खम तो दिखाई दे रहा है हमको, कल ये हटे दिखाई दे रहा, नहीं हटे दिखाई, ऐसे नहीं करना, देखिए छिपा कितना हुआ 70 बटे 304, पाई कमर कितना रखना है, शून्य समय एक चार रखना है, यहाँ आर कितना है, दो बार गुना कर दी, अब इसको एकदम सिंपली सॉल्व कर दीजिए, तो मैं काट कुट कर दीजिए, कट गया 3 से 3 9 27, 3 से 12 36, अरे ऐसे कटिए ना, बहुत ज्यादा कट रहा है, 9 से काटे, हाँ 9 3 27, 9 3 27, 9 4 36, अब आप ऊपर कितना देखिए 3 गुणे ऐसे गुना करेंगे कितना आएगा 314, अब बताएं कितना आ गया 4, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, 3 से गुना 3 चौका 12 के 2 हासिल है, 3 1 3 3 1 4 3 3 9 942 / 4, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 4 से भाग दीजिए कितना आएगा 4 1 9, ऐसे आप कटिए रहा दूरी से कट रहा है, नहीं छोटे आप पति काट कीजिएगा, आगे लगा दीजिए, हाँ 4 2 8 कितना आ गया 14, है ना, तो आप डायरेक्टली इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बस ऐसा खीरा के रखना 360 और तेजा के रखना 10, अब यहां से सॉल्व करना है तो गुणा भाग करने का आप तरीका आप सबका अलग अलग होता है, अपना तरीका से काटिए, हम जो तरीका जो अपना रहे हैं वही तरीका आपको बताया है, सबसे आसान लगे तो अपने हिसाब से गुणा भाग कर सकते हैं, है ना, कुछ मतलब लगता है कि सर ये दशमलव कैसे है, दशमलव का समझ में नहीं आ रहा है, तो सौ उपाय है, दशमलव उठाइए यहाँ पे दशम पर डाल दीजिए, एक पर दो बार था दो को जो बैठा दीजिए और दस दहाई सौ उतार दीजिए, तुमने तो उठा गया, ऐसे भी आप समझ सकते हैं मगर उतना दिमाग आप लगा सकते हैं, बच्चे नहीं है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर,
कड़ा व्यास त्रिज्या दिया है 22 सेंटीमीटर और चाप का कोण दिया है 60 डिग्री। तो ज्ञात कीजिए कथी कथी देखिए यहाँ पे आर दिया है 22 सेंटीमीटर और थीटा दिया कितना 60 डिग्री। अच्छी बात है एक त्रिज दूरी है आर दिया कितना 22 थीटा का दिया है 60। तो पहला नंबर क्या कर रहा है इसमें चाप की लंबाई जाती है वो बात नहीं करो चाप यहीं से नहीं आया था तो सबसे पहला है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्योंकि चाप की लंबाई क्या होता है यहां पर राइट लिखिए एक नंबर लिख के लिखिए क्योंकि चाप की लंबाई क्या होती है समझ जाते हैं ना क्या होता है बोलिए तो बस वही लगे थीटा बटे 360 × 2πr। तो बस उसमें रख लेना आपको जो जो कहेगा उसका फॉर्मूला क्या है निकाल देंगे थीटा कितना 360 × 360 पाई का मान कितना कर रखेंगे कर रहा है उसको बोलते नहीं कर रहा था 22 × 60 रखी आर कितना है आर 21 सेंटीमीटर है ना 6 से कट गया 7 से 21 कट गया आपका 3 × 6 कट गया आपका 2 से 2 कट गया आपका कितना है गया? कितना गया 22 इधर क्या आप क्या कीजिए दूसरा नंबर इसका पॉइंट क्या कर दीजिए पॉइंट नंबर 2 क्या कर दीजिए कड़ा चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्योंकि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है बताइए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लिख दीजिए बना लीजिए एकदम आसान है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे अगुने पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पर थीटा कितना था इसमें 60 × 360 उन्हें पाई का मान 22 × 60 आर स्क्वायर माने की 21 × 21 सॉल्व करने आपको आता है आप काट लीजिएगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं 7 × 21 × 6 × 22 21 × 11 करना है 11 × 1 21 × 21 करना आपको है ना 21 × 11 तो आप कर लीजिए कितना आ गया 231 सेंटीमीटर सॉल्व कर सकते हैं आप लोग है ना सर अलग है इसके बाद उसी में क्वेश्चन कुछ पढ़ा हो 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ा है क्या कि संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्योंकि वृत्त खंड का क्षेत्रफल वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला बता दिया थीटा बटे 360 × π r² − ½ r² थीटा कितना है 60 × 360 पाई का मान 22 × 22 − ½ r² कितना है 21 × 21 sin θ साइन कितना है आपको 60 डिग्री और इतना का मान अभी सॉल्व करके निकाले कितना निकला है 200 सॉल्व करने की जरूरत कोई ना आपका इसको काट कर लीजिएगा आप 441 है अब साइन 60 का कितना होता है जैसे रूट आता है तो बस दूसरे देना पड़ेगा रूट देखिए क्या हालत है आप ऐसा कोई बात नहीं है रूट से कोई परेशानी नहीं होता है 441
रूट थ्री हो गया, अब बटा में दुगुना चार गुना। अब इसको आप कर लीजिए ऐसे, बटा में हम चार निकालिए, चार से गुना कर लिए, चार चार के बाद वहां से लेट चार चार गुना आठ नौ, नौ सौ चौबीस माइनस चालीस रूट थ्री दिया। ऐसे हो जाता दू कॉमन लेकर काटने, दू कॉमन नहीं होगा, इतना दिया हुआ है सर, ऐसे ही दे रहा है सर, ये वाला कैसे छोड़ दिया, बड़ा गड़बड़ी काटा हुआ, बहुत घबला है, ये वाला मैं ऐसा सब गड़बड़े दे रहा हूँ, बड़ा ऐसा गलत मैं गलत नहीं मतलब गलत फॉर्म में छोड़ के छोड़ दे रहा हूँ, गलत नहीं कर सकते उसको, खटा मैंने खींचा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा पर 60 डिग्री कोण अर्जित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का सभी ज्ञात कीजिए, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या दिया थीटा, थीटा दिया आप नहीं, फिर आर लिखिए, आर कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और एक वृत्त का कोई जीवा को थीटा कितना देगा, थीटा 60 डिग्री, तो वहां लिखा लघु लघु संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का सभी जाती है, संगत लघु वृत्त खंड कैसे निकाला है तो जाने को काटते हैं, खींचा इसमें तो कितना रहेगा, उसे सात सात लिखेंगे, संगत लघु वृत्त खंड का पहले एक नंबर लिखिए, दूसरी जगह ये लिखिए संगत लघु वृत्त खंड का पेपर, लघु वृत्त लघु वृत्त खंड एक साथ ही करेगा, संगत लघु वृत्त खंड का चित्र जाते हैं, लघु वाला है वृत्त खंड अलग है, संगत लघु वृत्त खंड हमला वही रखेगा क्या, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हमला सबको याद है आ रहे थे फॉर्मूला के लिए, बताइए ये फॉर्मूला पे कितना किराया होगा, 60 कितना 60 बटे 360 गुने पाई का मान 22 बटे 60 आर स्क्वायर यानी कि 15 गुने 15 माइनस हाफ 15 गुने 15 साइन आधा पाई का मान बढ़ेगा, सात साउंड कितना पाई का मान धीरे ठीक है, पाई का मान अब 3.14 सॉल्व कर लीजिएगा, कर लीजिए कर दे इसको भी, और दूसरा नंबर क्या करा है, संगत दीर्घ तेज खंड है ना, उसी का दीर्घ बड़ा वाला, तो हमें कहा दीर्घ खंड दो को बनता है, कोई वृत्त खंड जाते वृत्त खंड है, वृत्त खंड जाते तो दो बनवे करता है, ये को तो बनवे नहीं करता, कभी भी ये को नहीं बनेगा, छोटका बनाए तो बड़का ऑटोमेटिक बनेगा, ये है 60 डिग्री का निकाल दिया, निकालिए ये निकाल दिया छोटका हो गया, अरे बच गया तो क्या हो गया, बड़का हो गया, बड़का ये ना हो गया, सिंपल सी बात है, छोटका इसमें एक भाग आप काट के निकालिएगा तो भाग तो अपने आप बन जाएगा, एक रोटी है उसमें से एक टुकड़ी कहीं से निकालिएगा, दो भाग तो अपने आप बनेगा है ना, अगर इसमें दो बराबर बड़ा है तो दो बराबर बड़ा हो गया, आधा थोड़ा निकाले है तो ये लघु हो गया, छोटका ना लघु हो गया और दीर्घ हो गया, तो जब उसने बता दिया था आपको है ना, ये समझा रहे थे, संगत दीर्घ तेज खंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ तेज खंड का क्षेत्रफल वृत्त खंड, सॉरी संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही लगाना है क्या, थीटा बटे बस बदलना है थीटा का मान, यार थीटा कितना हो जाएगा, 360 पूरा होता है, 60 घटा दिए कितना हो गया 300, बस इतने का ध्यान रखना आपको, थीटा कितना हो गया 300, तो 300 बटे 360 गुने पाई का मान 3.14 गुने आर स्क्वायर, आर कितना है 15, पंद्रह गुने 15
माइनस हाफ आर साइन 15 गुणे 15 साइन थीटा, साइन का मतलब थीटा 300। 300 को पता है आप बताइए, है पता नहीं पता? और यही पे मैटर अटकेगा आपका। तो भैया साइन 90 डिग्री आपको पता ही है, साइन 0 डिग्री का हो, साइन 30 डिग्री का हो, 45 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, 90 डिग्री, यहाँ तक तो मान हमको पता है। 300-400 वाला तो मान हमको पता नहीं है अभी फिलहाल में, देर तक तो नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर जब ऐसा समस्या आ रहा है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला हटा दीजिए। इसके लिए क्या कीजिए, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु त्रिकोण का क्षेत्रफल हटा दीजिए, ना समझे? पूरा वृत्त ये है ना, पूरा वृत्त है, इसमें से ये हो गया आपका लघु त्रिकोण, हुआ ना? तो पूरा हमको आप की वाला निकालना, बड़का वाला का, तो क्या करेगा, पूरा का निकाल लेगा वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वाला का करा दे। तो हम लिख सकते हैं दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर का लिख सकते हैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, क्या पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वाला का क्षेत्रफल, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड, संगत 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 लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। बोलो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस आई जो निकालिए यहाँ पर बताइए, ठीक है? पाई का मान लिया 3.14, कितना 3.14 गुणे आर स्क्वायर, कितना 15 गुणे 15। यहाँ पर जो सॉल्व करके निकालिएगा वो यहाँ लिख के घटा दीजिएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैंने इतना में से निकाल लीजिएगा, जितना निकलेगा उसको बता दीजिएगा, आ जाएगा नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा, इतना निकालना। मगर इसको सॉल्व देखने में बड़ा लग रहा है, सॉल्व करने वाला छोटा अंक आएगा ना, एगो एगो अंक आएगा तो इसको गुणा करने के बाद छोटा हो जाएगा, सब गुणा करेगा ना हो जाए छोटा, 15 गुणा 15 कर देंगे, गुणा 4 कर देंगे, जितना आएगा यहाँ लिख देंगे यहाँ पर, और जितना आएगा उतना लिख के घटा देंगे, जितना बड़ाई में से ये घटा देंगे, आ जाएगा इसे, आया कि नहीं आया? क्या कर त्रिज्याखंड थीटा दिया हुआ है, कितना त्रिज्याखंड का त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और थीटा क्या दिया हुआ है, थीटा आर दिया 12 सेंटीमीटर, थीटा थीटा क्या है, थीटा 120 डिग्री। अब वृत्तखंड का ज्ञात करना है, बताइए गड़बड़ कर दिया, यहां से समझा सुनिए, वृत्तखंड का कैसे निकालेगा, दिक्कत हो गया आपको, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब थीटा के साथ में साइन का आता है, साइन का साइन है, सभी का मैंने पता ही नहीं है, समस्या आ गया, किसी समस्या को हमें नहीं कहता है, आराम से खत आता है को लेकर अभी दस्ते देखे यहाँ पे थीटा 60 तक है, ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं रही फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में सब कुछ पता है, ठीक ठाक है, चलेगा, मगर साइन है सभी मान कैसे निकालेगा तू, है कोई तरीका नहीं ना, है थीटा का मान तो कैसे निकालेगा, बताओ, बहुत बड़ी समस्या है, मुझे तो लग रहा है कि ये मामूली बात है, समझ में नहीं आएगा तो मामूली लग रहा हो, ये जब वृत्त खंड है तो थीटा दिया कितना 120 डिग्री, और थीटा 120 डिग्री दिया है तो यही हमारा समस्या है, 90 से छोटा तो आराम से बन जाता, अब यही हमारा समस्या बन गया कि कैसे इसको निकाले, और इसके निकालने के लिए एक बड़ा अलग तरीका निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये इसको बांटना पड़ेगा, और इस पूरा का पूरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, पूरा ही पूरा निकाल के, पूरा निकाल के वही में से इसको घटाना पड़ेगा, ये वाला कौन वाला, ये वाला त्रिभुज वाला घटाना पड़ेगा, पहले हम समझाते जैसे हम अभी एक क्या त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड बताइए, त्रिज्याखंड का निकालेंगे,
इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए साइन 120 पीरियड पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ये हम निकाल लेंगे। निकालिए थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर निकालिए, उसमें से इस त्रिभुज तक घटा देंगे। यहाँ से कटाए घटाने के बाद क्या निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे घटाइएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, आधार गुण ऊंचाई बताइए। तो क्या इसका ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ से ही बड़ा है, क्या इसका आधार दिया हुआ है, आप बताइए। आधारों ने दिया हुआ है, ऊंचाई में दिया रखा निकालने के, अब आधारों निकालना पड़ेगा, ऊंचाई वो निकालना पड़ेगा, अब आधार ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ना समस्या दिखाई दे रहा आपको, बहुत बड़का लफड़ा है आप लोगों को दिखाई दे ही नहीं रहा, हम कभी कहे ना कहे समझ नहीं रहा, लफड़ा फंस गया। अब इसे निकालने के लिए सोचना पड़ेगा भाई कैसे करें इसको, कि हम ऊंचाई निकाले फिर इसका आधार निकाले, आधार ऊंचाई निकाल लेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पूरा क्षेत्रफल निकाल के तब हटाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब जाके निकलेगा छोटा लग गया। प्लानिंग बनाना पड़ेगा कैसे कैसे क्या देखते हैं, अब देखते हैं बनाकर चीजें क्या कितना है, कितना त्रिज्या 12 सेंटीमीटर कितना थीटा इसका 120 ओलाम की 20 है कौन, ई दूरी की त्रिज्या है, ई दूरी थीटा बराबर होगा समान, एक वृत्त की त्रिज्या है समान होती है, समान है थीटा भी समान होगा, ई और ई दूरी समान होगा, होता गया ये कोण समान हो गया, ये 90 डिग्री इधर 90 डिग्री हो गया, समूह त्रिभुज हो गया, तो क्या हो गया ये, अगर ये पूरा मिला कितना है 120 हो गया 60 हो गया 60। अब यहां से लफड़ा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, हम लोग समस्या यहां पे आ गया 60 है 90 है दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 12, तो हो गया था समस्या कहाँ है, अब तो हो गया कमाल। अब ये देखो ना एकदम मजा आ गया, इसको तो हम लोग पढ़ी रहे बचपन, अभी बचपन में नहीं मजा पा रहे, समस्या है क्या, समस्या नहीं है, समस्या दिखाई देगा, चलिए और दिखाते हैं समस्या, अब क्या समस्या है बोलिए, थीटा पता है 60, कोई कहे जो ऊंचाई दूरी पढ़ के आया समस्या है, ये 15 पता है, कितना दिक्कत है 12 है, 12 उल्टा 12, कोई समस्या है अब, कोई समस्या नहीं, कहाँ कोई समस्या है, थीटा दिया हुआ है यहाँ पे, थीटा दिया था आपको तो परेशानी, आपको दिक्कत नहीं है, हमको आप आराम से थीटा से निकालेंगे, कर दिया है ये निकाला जाए, ये निकाला जाए, आप निकाल सकते हैं कभी, बोले मान लो हमको ये निकालना है, क्या करना है, पी पी और एच में संबंध किस में होता है, थीटा है बी हो गया ना, तो पी और एच में संबंध किस में होता है, हो जाए साइन 60 डिग्री बराबर पी बटे पी कितना है इसका, ये परिणाम देते हो कोई बार क्या जाए ओ ओ बी मान भैया साइन थीटा का क्या होता है बोलिए, पी बटे पी यानी कि ये वाला ओ ए बटा एस यानी कि ओ बी, साइन साइन कौन कितना था हुआ √3/2 बराबर ओ ए बटा ओ बी कितना हो 12 यानी का गुना हो जाएगा 12√3/2 बराबर ओ ए कट गया कितना आ गया 6√3 निकल गया, 6√3 ऊंचाई निकल गए हुआ 6√3 कट लाइ है, अब एकरा निकालेगा ना एकरा, तब बताइए एच में और बी में संबंध किस में होता है बोले, एच और बी में संबंध दूसरे होता है कॉस और सेक में,
एच है और बी है, एच माइनस वन किसमें होता है कॉस या सेक, बता लेंगे कॉस कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होगा बोलिए, बी बटे बी कितना है, बी कितना है बी ओ बी ए बी बटा कॉस 60 का मान कितना होता है एक बटा ए बी का मान कितना दिया हुआ, ए बी का मान का निकालना है भाई, ओ बी का मान क्या दिया हो गया निकाल गया बारह एक तो गुना हो जाएगा बारह बटे दो बराबर क्या हो गया कितना निकल गया हुआ बस ये निकल गया छ निकल गया छूटती तो दिक्कत कथी है कहा निकल गया एकदम आसानी से बन गया देखो ना ये था ना इसको पूछो नहीं दिया था ये समझ रहा था कितने निकाल गया कोई ना दो मिनट में निकाल दिया पूजा पूजा निकाल दिया ऊंझा पूजा सब निकल गया आसानी से निकाल लिया कितना निकाले हैं छ निकाले छ रूट टू तीन छ रूट ये छ है तो ये छह होगा क्योंकि दो ध्रुव सब रूप है छ छ निकल गया ये निकल गया कितना बारह और चार निकल गया अब हो गया गई हुआ आराम की खा गई देखिए क्वेश्चन नंबर आठ क्या कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास का मैदान है इसमें पूरा में घास लगा हुआ है ठीक है और इस घास के मैदान में यहाँ पर एक कोना पर एक 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर रस्सी वाला एक घोड़ा बांध दिया यहाँ से मतलब खूंटा काट दिया यहाँ पे यहाँ तक रस्सी आ रहा है उसका 5 मीटर का कितना तक 5 मीटर और घोड़ा को चढ़ने के लिए छोड़ दिया गया तो बेचारा घोड़ा चढ़ेगा तो इतना ही दूर तक चढ़ सकता है नहीं यहाँ पे घास का मैदान है ही नहीं तो इतना दूर चढ़ सकता है घास का मैदान को चढ़ सकता है इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको पहला नंबर में फिर कह रहा है कि अगर इसी राशि को 5 से 10 कर दिया जाए यानी कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर था 5 मीटर था अब 5 मीटर राशि को और जोड़ दिया जाए तो घोड़ा यहाँ तक आ सकता है अब जब घोड़ा यहाँ तक आ सकता है तो यहाँ तक करेंगे यहाँ तक चल सकता है नहीं चल सकता है तो अब जो है कितना वृद्धि हो गई कितना वृद्धि मतलब इसका भी क्षेत्रफल निकालना है कितना वृद्धि हुआ ठीक है ना इसका भी क्षेत्रफल आपको निकालना है मतलब एक व्हाइट वाला का क्षेत्रफल निकालना है यहाँ से यहाँ तक का और ग्रीन वाला क्षेत्रफल निकालना है वहां से वहां तक का ठीक है ना दोनों का क्षेत्रफल आपको निकालना है बात समझ आई पढ़ में आ गया तो फिर से समझ लीजिए एक बार और समझ लीजिए 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास का मैदान है उसके एक कोना पर एक खूंटा गाड़ दिया गया है खूंटा से बना हुआ है घोड़ा है ना अब घोड़ा का रस्सी इना बना हुआ है तो घोड़बा इतना दूर चढ़ सकता है इसे नीचे इन्हें कारी तो बेचारा के पास घास है ही नहीं इतना दूर चढ़ सकता है तो इतना दूर का क्षेत्रफल निकालना यानी कि पति है त्रिजखंड है तो त्रिजखंड का क्षेत्रफल निकालना है त्रिजखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना आपको ठीक है इधर वाला व्हाइट वाला और फिर कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं ज्यादा घास चढ़े घोड़ा तो रस्सी को और बड़ा कर देंगे रस्सी को बड़ा कर देंगे तो पहले 5 था हो गया 10 तो अब इतना दूर चढ़ सकता है नहीं तो ये जो हरियरका वाला वृद्धि हो गया उतना का क्षेत्रफल निकालना है तो ये दोनों क्षेत्रफल आपको निकालना है लिखेंगे और ये बताइए सवाल में कह क्या रहा है पति पति निकालना है पर कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां घोड़ा चढ़ सकता है लिखेंगे घोड़ा द्वारा चढ़े जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल घोड़ा तो घोड़े घोड़ा द्वारा चढ़े जा सकने वाले वाले क्या मैदान के भाग का क्षेत्रफल या भाग का क्षेत्रफल क्या होगा तो ये होगा थीटा बटे 360 थीटा बटे 360 अगुने पाई आर थीटा इसका कितना होगा देखो अभी कह रहा है कि वर्गाकार है तो वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है तो थीटा कितना हो गया
चम्मच चम्मच नहीं किए समझिए। कितना कितना है 90 बटा 300। पाई का मान कितना हुआ 22 बटा 7। इसमें कुछ कह रहा है देख लीजिए, नहीं कह रहा था कह रहा नहीं कह रहा है 3.14 उसको सॉल्व कर लीजिए। 9 × 4 = 36 दशमलव उड़ाइए, एक पर 0 बैठाइए, ठीक है 2 दशमलव पर 2 होगा 2 0 बैठ गया तो सुनो उड़ गया 50 25 होगा 2500 का कर गया। अब इसको आप दूध से काट भी सकते हैं, नहीं काटने का मन है तो कितना आएगा 314 अब बटा क्या आप काटे तो काटे इसको कटे दिए कटा नहीं कटेगा 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 15 × 30 57 हो गया 157 अब नहीं कटेगा नहीं 157 बटे 4 × ये निकल के आता इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल इधर दिया है करेंगे तो पॉइंट में दिया है, तो अगर हम पॉइंट में भाग देंगे क्या होगा 8 × 8 उतरेगा 7 × 77 8 × 7 = 8 × 8 = 72 हो गया कितना 77 5 × 5 = 5 0 50 हो गया 8 × 8 = 40 8 × 48 0 × 20 5 × 16 इतना है इतना ही ना लगभग 6 × 7 कुछ होगा 6 × 2 = 5 उससे कुछ होगा पता ही बढ़ेगा कितना निकल गया आंसर कुछ नहीं करना था इतना में 8 से भाग दीजिए है ना। अब है अगर इसी रस्सी को बड़ा कर दिया जाए जो रस्सी है ना ये रस्सी था 5 क्या था पहले था 5 इतना ही घास बेचा चल पा रहा है और रस्सी को यहां तक खूंटा ही है रस्सी पर कितना करिए 10 का देखिए खूंटा और इतना दूर चढ़ेगा अब कितना वृद्धि हो गया कि वृद्धि जो हो गया है इसका क्षेत्रफल आपको अब निकालना है इसका कह रहे आप लोग इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है कितना होगा बताइए ठीक है। तो इसमें क्या इसका टॉपिक क्या नाम दिया क्या कि भैया चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े के को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर पर लंबी बांध दी जाए तो चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि क्या दूसरा क्या है चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र में हुई वृद्धि क्या वृद्धि कितना वृद्धि हो गया भैया तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको उल्टा पुटा काम कर रहे हैं देख रहे परीक्षा बदल हमें घूमना है तो बदल रहे हैं पीछे हम घूम रहे हैं एक्सरसाइज बदल लिया मतलब क्या हो गया कि आप जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं जो नहीं करने वो कर रहे हैं ऐसे था इसका पूरा का क्षेत्रफल ऐसे निकालेगा तो पूरा वृत्त 30 घंटे का क्षेत्र निकाल के इसका 30 घंटे का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बड़का 30 घंटे का क्षेत्रफल मान लो कि किसी का देखो वलय है तो गौर से क्या आई वलय वलय का ही ना भाग है तो उसी तरह से हम अप्लाई करेंगे क्या अप्लाई करेंगे इसको मान लेते बड़का यहां से यहां तक क्या मान लेते हैं बड़का आर कितना हो गया 10 छोटका कितना हो गया हुआ है ना थीटा कितना इसका समझ रहे हो यहाँ ध्यान देखो ये कितना होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई छोटका आर स्क्वायर ठीक है माने बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल तब में विचलन निकलेगा पट्टी का है ऐसे से क्या कॉमन होने वाला थीटा बटे 360 और गुणे पाई दोनों में से सेम है तो पाई निकाल बचा क्या आर स्क्वायर माइनस सॉल्व कर लीजिए आप
थीटा का मान कितना है 90/360। पाई का मान कितना हुआ 22/360। तीन दशमलव एक चार रखिए, 3.14। आर स्क्वायर, आर कितना है बड़का, 10 का स्क्वायर माइनस। सॉल्व कर लीजिएगा, करिएगा आंसर आ जाएगा, नहीं तो हम कर देते हैं भैया सर ऐसा आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, देख के बिठा दीजिए। कितना ऊपर आ गया, काटे से कितना आया था 57, ये भी काटे से 57 है ना, 57 है, 57 है, ये कितना आया था 2, तो कितना आ गया 57 बटे 2 × 100 200 बजे। तो इसको काटेंगे कितना है 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस बना सकते हैं, और यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, क्या करना है यहाँ बताइए, 157/200 है कितना आ गया गुने 75, ऊपर 75 से गुना कर दीजिएगा 200 से बाहर कर दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा। दिमाग क्या लगाना था, देखो दिमाग क्या लगाना था, दिमाग इतना ही लगाना था कि जो देख रहे हैं बड़का वृत्तखंड का क्षेत्रफल में, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से छोटा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को घटाना, मैंने दिमाग सिर्फ इसमें इतना ही लगाना था, जो लिखे हैं ये मेन दिमाग लगा, बाकी सब तो सॉल्व करने का चीज है ना, इसको सरल कीजिएगा ना घर पे जाकर खुद से, तब यकीन हुआ कि हमसे बनता है, अभी जाकर घर छोड़ दीजिएगा और वीडियो में से खाली लिख लीजिएगा, तो आपको यकीन नहीं हुआ कि तुम्हें बनाए, दूसरा का किया हुआ काम में अपना किया हुआ काम में बहुत अंतर, जमीन आसमान का फर्क होता है। एक कहावत है कि आप मेहनत से नून रोटी खाइए सो, आप फ्री में मिला हुआ जो भी अच्छा चीज होता है, खीर पूरी जो भी आपका जो भी अच्छा चीज है, फेवरेट चीज है, चिकन वाला जो भी है वो खाइए, दोनों में काफी अंतर होता है, मेहनत से कमाया हुआ चीज में बहुत ज्यादा सुकून मिलता है इंसान को, जब तुम इसको अपने से बनाओ ना तो अंदर से जब अंदर से पॉजिटिवनेस आएगा, ताकत तुमको मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, इसे तुम क्या करोगे सवाल को बनाने में तुमको सहायता मिलेगी, और जब तुम चोरी करोगे हुआ उसे सहायता तुम सहायता लिया था इतना, अब हम भूल जाते हैं तो सीखते हैं सिर्फ इतना, ये सीखने की चीज होता है, ये सीखने की चीज होता है, यहाँ से सीखने की, ये चोरी करने की चीज नहीं होता है, सॉरी ऐसे ताके हुए नहीं, आप खुद से काटिए, जिसका आंसर मिल गया है हम बना दिए हैं उसका भी आप आंसर खुद से बनाइए, तभी आएगा नहीं तो नहीं आएगा। नेक्स्ट नौवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वृत्ताकार ब्रुच है, ब्रुच मतलब क्या होता है साड़ी पर लगाने वाला ऐसा ब्रुच, चांदी का ब्रुच है, ऐसा ब्रुच ब्रुच का डिजाइन में दिया हुआ है ऐसा ही, और तुम क्या को खाना दिया हुआ है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या खाना दिया है 10 होते हैं खाना बांटा है 1, 2, 10 होगा ना, हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतना बड़ा छोटा बन गया है ना, मगर इसमें क्या डिजाइन क्या है मान लो, बड़ा बराबर बराबर है, क्या है बराबर बराबर डिजाइन में बना हुआ है, 10 को इसमें डिजाइन ऐसे बना हुआ, ठीक है ना, ये डिजाइन जो बना हुआ है चांदी के तार से बना हुआ है, किसे बना हुआ है चांदी के तार से, सही मनी आदमी होता है चांदी के तार देखते है कि अभी अनंत अमानी साथी हुआ है सोना के लगाया है, हीरा के बन रहा है, करोड़ों का सुन रहे हैं कि 25 करोड़ का ये साड़ी है, 10 करोड़ का साड़ी है, अब ऐसे बोल रहा है जैसे 2500 का साड़ी है ना, हम लोग ने 2500 सुनाई देता है, करोड़ों का था करोड़ कैसे हुआ, करोड़ में साड़ी ऐसा लगता है हमारा होता है, चांदी का ब्रूच है, चांदी का ऐसे लगाने वाला साड़ी में जो होता है जो होता है अल्पीन लोग लगा लेते हैं गाँव देहात, शहर समय जो बड़ा धनी मनी आदमी सब चांदी का सोना का ब्रूच होता है उससे लगाता है, अल्पीन भी लगाया था चांदी सोने का रहेगा, वो डायमंड का रहता है हीरा का रहता है, चांदी का बना हुआ है चांदी का ब्रूच है, अब इसमें क्या सिस्टम किया गया है कि एक तो गोलाकार बनाया गया और तरह एक वृत्ताकार ब्रूच है जिसका व्यास कितना हुआ, व्यास दिया हुआ है डायमीटर, व्यास 35 मिलीमीटर, क्या यार पतला तार होता है चांदी का, इसलिए तो आर निकाल लेंगे इसे 35/2 मिलीमीटर, अब कर रहा है वृत्त के तार को वृत्त का 5 को व्यास इसमें प्रयोग किया गया, इसमें 5 को व्यास है, क्या व्यास है
पांच का व्यास आपको दिखाई दे रहा होगा, एक व्यास ये है, व्यास अलग है, एक व्यास ये है, ये है ना, उसके बाद फिर दो, उसके बाद दो है ना, सब अलग अलग व्यास है, देखिए व्यास है ना, सर ये भी व्यास है, सब व्यास है, तो पांच को खींचे हैं तो क्या बन गया, दस को भाग बन गया, क्या व्यास है इसमें, पांच को व्यास है, क्या व्यास है, पांच को व्यास है, तो कह रहा है क्या कि कुल वांछित तार की लंबाई जाती है, कितना तार इसमें लगा होगा, तब तार कथी कटी है बताइए, तो तार है एगो वृत्त की परिधि, क्या है वृत्त की परिधि ये वाला है ना, आई दस गो ये लकड़ी है ना, तो सब इधर वो वृत्त की परिधि निकालेंगे और दस गो व्यास, पांच गो व्यास जोड़ लेंगे, आ जाएगा नहीं समझे, पांच गो ऐसे ऐसे जोड़ लेंगे व्यास और एगो वृत्त की परिधि, हो जाएगा निकल जाएगा आंसर, ठीक है, तो लिखेंगे कुल वांछित तार की लंबाई, पहला नंबर क्वेश्चन क्या करा, कुल वांछित वांछित तार की क्या, चांदी के तार को, चांदी के तार, चांदी का चांदी लिखिए भैया कोई बात नहीं, चांदी के तार है एक तार, चांदी जो लिखा हुआ है वही लिखिए आप लोग, चांदी के तार, चांदी के तार की लंबाई, जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा वही लिखिएगा तो आपको बेहतरीन नंबर आएगा, कुछ बच्चे अपने मन से पढ़ लेंगे कुछ लिख ले और पहला वही मतलब है, मतलब से मतलब नहीं है, जो लिखा हुआ वही रहना चाहिए आपको, तो कितना लंबाई बताइए, तो लंबाई कितना होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर और क्या होगा, दस गो व्यास है, नहीं पांच गो व्यास है, तो पांच गुणी तीन, पांच गो व्यास पांच गुणी पांच डायमीटर, ठीक है ना, तुम कहते ना क्या पाई आर स्क्वायर क्या कर रहे हैं, वृत्त की परिधि कितना आता हुआ, पाई आर में होता है, रवि टू पाई का मान कितना रखना, कितना रखना, कितना है, कितना है बाईस बजे सात, आर कितना हुआ पैंतीस बजे दो, प्लस पांच गुणी डी कितना, डी पैंतीस है, अब गलती से आर नहीं रख दीजिए, रही अब इसमें सॉल्व कर दीजिए, इसको कटेगा सात पचे दो से दो कैंसिल, ऊपर कितना आ गया पांच हजार तेजी हासिल है, पांच हजार से तो दस प्लस पैंतीस पचे पचास पचास पांच हासिल दो, पांच एक पंद्रह दू सत्तर एक पचहत्तर जोड़ लीजिए कितना होगा, पांच एक पांच सात एक आठ, दो सौ पचासी सेंटीमीटर है या दो सौ पचासी मिलीमीटर है, समझ में आया कि ना आया, चांदी का कितना तार लग रही लंबा, चांदी का तार लंबा रही सीधे लंबा, काट काट के पहला नंबर तार काट लगी था उन्होंने गोल का बना रहे गोल, दो मन लगा दिया अपने मन से नहीं कुछ करना है, इसके बाद क्या करा है इसमें, करा इसका क्या करा है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज खंड का चतुर्भुज ज्ञात कीजिए, एक वो त्रिजखंड का क्षेत्र निकालिए, मतलब क्या है इसमें आपको कहा जा रहा है इसका ए का क्षेत्र निकालिए, ये कितना होगा भाई, ये निकाल निकाल लीजिएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा बोलिए, आराम से निकलेगा, देखिए क्या वो पूरा है भाग में, टोटल पॉइंट कितना होता है, दस भाग में बांटेंगे कितना होगा, छत्तीस होगा, कितना होगा आसानी से निकलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बोलिए, तो वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो लिखा रहे ना हुआ उसको देखिए सीधा लिखिए, जो जैसे लिखा वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे हम लोग पूरा, ठीक हाँ, खुला लाइन
थीटा बटा 360 गुने पाई आर, थीटा कितना हुआ इसमें 36 है। थीटा हम निकाले कैसे निकाले हैं, तो 360 पूरा था ना, 10 को भाग लगा दिए कितना आ गया, कितना गया छत्तीस बटे 360। ना खड़ा होने वाला काम कम होता नहीं, पाई का मान 22 बटे, आर का मान कितना है 35 बटे निकाले था, 35 बटे 2 गुणे 35 सब कर लिया, सब कर लीजिएगा ना, ताकि बड़ा आसान कर लीजिएगा, कर लिया ना ठीक है। अगला चले तो सॉल्व कर लीजिएगा, बड़ा आसानी से कट जाएगा, 7 के लिए 35 कट जाएगा, 40 कट जाएगा, 27 कट जाएगा, सब काट करके अपने से चला जाएगा, ठीक है ना। आंसर ना आएगा ऐसा हो नहीं सकता है ना, आंसर आने की पूरी गारंटी, पूरी गारंटी है कि आंसर आएगा, और नहीं आ रहा था काट कर गलती कर रहे हैं, समझ रहे हैं, न आने का कोई सवाल ही नहीं, इसका बना दिए आंसर आना ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, करा एक छतरी के 8 तने हैं, कितने तने हैं, छाता में 8 वो कमानी है जो समान दूरी पर लगी हुई है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया छतरी है, छाता ऐसे तो गोल चपटा नहीं होता है, कोनो को छाता जापान वाला चपटा भी होगा, अपने यहाँ तो ऐसे वाला छाता होता है नहीं, ऐसे छाता होता है, तो कह रहा है ऐसे का मानो छाता ऐसे है, ठीक ऐसे ही मान लेते हैं, वृत्त लगा वृत्त आई में कमानी क्या हुआ टोटल 8 को कमानी, बताओ कितना पड़ेगा हमको 4 गुना, आठ वो कमानी हो गया, 8 वो कमानी है, क्या हुआ है 8, कै वो भाग बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 वो भाग बन गया, तो कह रहा है ए का क्षेत्रफल निकालिए, दो का मानी के बी का क्षेत्रफल, ये वो ई है, बी का क्षेत्रफल कितना होता है निकाल देंगे, क्या भी कर देंगे, सीधा कह दिया थीटा, आर कर दिया आर, आर दिया तेजा, तेजा उसी में आप तेजा उसी में लेते 45 क्या थीटा कितना दिया, थीटा थीटा थोड़ी दिया हुआ, थीटा नहीं दिया हुआ है, का दिमाग लाके निकालो, तो हमको दिमाग तो सबको है भैया, पूरा कितना होता है पूरा 360, कै भाग में बटा ले बटा में हाँ मैंने कटने वाला जो है मैंने कट आया ना, समझ में आ रहा ना, काट लीजिए इसको 8 का 32 8 5 40 कितना आ गया, छीटा निकल गया 45 क्या दिक्कत है, बढ़िया बढ़िया बल्ले बल्ले है ना, छीटा निकल लिया गया है 8 दिया ही हुआ, क्षेत्रफल निकालने से कौन रुकेगा है ना, अब लिखें अब मगर एक बात है, अब रुला के नहीं लिखते तीजखंड का क्षेत्रफल, लिखिए क्या लिखल है, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, इसीलिए दो क्रमागत क्या तानों के क्या बीच का क्षेत्रफल कितना होगा भैया, वही फॉर्मूला जो बचपन से लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं थीटा बटे 360 गुने बचपन में सीखे थे है ना, बचपन में काम दे रहा है, बचपन में सीखे थे काम दे रहा है ना, थीटा कितना है नन्हे मुन्ने सर जी छोटे छोटे हाथों से आपको पढ़ाए थे, छोटे छोटे छड़ी से पीटे थे आप, नहीं आता तो आर कितना है 45 है, वाओ क्या बात है 45 नहीं होगी, काटू काट लीजिएगा ना, काटने में तो आप माहिर है क्या, चाहे वो अंक हो चाहे कुछ हो, अब चलिए आगे, पड़ोसी के दम तक मारते जिसके बगल में हम खाने वाला प्राणी हो उसके उन्हीं लगाना चाहिए,
रेल रेल ट्रेन है ना, ट्रेन ट्रेन का ड्राइवर जो होता है ट्रेन जो चलाता है ना तो छोटा घने लगता है, और ट्रेन चला और ट्रेन का पटरी पता है ट्रेन में कितना लोग सवार है, भूल घट जाएगा सीधे। तो ट्रेन के पटरी में सिस्टम क्या लगता है, पैरवा दबले रहेगा तो चलित रहेगा, अगर हाथ में वो अथी रहता है दबले रहेगा बस ना जा रहा है, जैसा नींद आया बस उजिला हुआ ट्रेन में रुकने लगता है, जैसे देखा नींद ऐसा सिस्टम लगा लगा नींद में आने पर पैरवा हल्का जाता देखा, चाहे फतवा हल्का कोई हल्का होगा बस अपने अलार्म बिना शुरू, मतलब ट्रेन के डाबे चाह के नहीं सो सकता है, सोता ही नहीं उसको उसको अपने अलार्म बिना शुरू जाता है, अभी तरह से अलार्म बने जीवन का सवाल है यहाँ तो उसका भी जीवन है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, जब भी नींद आए पड़ोसी का कर्तव्य है प्राप्त करना, किसी कार के दो वाइपर हैं परस्पर तभी आच्छादित रहे होते हैं, वाइपर जानते हैं कार के कार ये कार का शीशा आगे है ना, शीशा मॉडल का कार है मर्सिडीज है, इसके आगे वाइपर लगा हुआ, वाइपर जानते हैं ना ऐसे ऐसे बारिश के पानी को साफ करने वाला ऐसे लगा, ये साफ करते हैं तभी साफ करता ही इन्हें वाला साफ करता है, साफ करता है बेचारा ऐसे ऐसे बहाता है पानी आगे ना पड़े है ना, हमको बचपन में लगा था कि ऐसे सब करना आगे से हट, अब बारिश के पानी को साफ करते रहता है तभी ड्राइवर पर आगे दिखाई दे बढ़िया से है ना, पता नहीं तो वही वाइपर है और एक दूसरे में टच नहीं कर रहा है, तो सवाल क्या कर रहा है, अरे वाइपर के पत्ती की लंबाई कितना है आर कितना दिया हुआ था, एक बनाई ले वाइपर ठीक था बना हुआ था अब इसमें वाइपर है तो वाइपर की लंबाई कितनी है बुआ, 25 सेंटीमीटर लंबा है, 25 सेंटीमीटर आर क्या दिया हुआ आर 25 सेंटीमीटर, अब 115 डिग्री घूम सकता है, 180 है 115 घूम सकता है, मतलब पूरा नहीं इतने घूम जाएगी इतना पर आ जाएगी, लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर हो गया, वाइपर की लंबाई त्रिज्या हो गया, वाइपर तो ये ना वाइपर है, वाइपर की लंबाई ये ही त्रिज्या होता है, तो ऐसे ऐसे घूमता है कार में लगा ऐसे घूम जाता है ऐसे ऐसे ना घूम जाता है ऐसे ऐसे, ये वाइपर की लंबाई में त्रिज्या हो गया, वो वाइपर ऐसे घूमेगा तो क्या बनेगा, ऐसे बोल घूमेगा तो क्या बनेगा, कोई भी चीज ऐसे घूमेगा तो क्या बनेगा, तेज खड़ बनेगा क्या बनेगा, ये कद बाहर आएगा हाँ ये 25 सेंटीमीटर आया समझ में नहीं, समझ में आना चाहिए तो वाइपर की लंबाई त्रिज्या दिया है 25 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दिया, थीटा थीटा कितना है 100, ठीक है भैया 115 डिग्री तक घूम सकता है साफ कर सकता है, अच्छी बात है अच्छी बात है, 360 बना था 20 बनाता है फिर सूर्य घूमता ऐसा फिर अच्छा बात है, जहां से 180 का रहेगा तो खाते हो जाए क्या, ड्राइवर कितना तो बैठे करता है कम बैठता है साफ कर हो गया, दूध को लागल है साइड वाला लागल ठीक बढ़िया तो है, अब करा कि पत्तियों के प्रत्येक बुहार से कितने क्षेत्रफल साफ होगा, करा कि दोनों पत्तियों का घूमेगा तो कितना क्षेत्रफल साफ होगा, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे हो गया, इसमें क्या दिक्कत है, कहने का मतलब सीधा बात है ऐसे नहीं कह रहा, ऐसे है कि कितना क्षेत्रफल होगा बताइए, थीटा दिया है कितना 115, आई दिया कितना 25, क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत है जी, इसमें बोलो है दिक्कत क्षेत्रफल, देखिए हम बार बार देखने के लिख रहे हैं दिमाग लगाइए वो हम क्या करना चाह रहे हैं, पतियों की जैसा देवता होगा उसने पूजा प्रत्येक प्रत्येक गुहार के साथ, गुहार माने एक बार बाहर आएगा तो कितना होगा, गुहार के साथ साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल, साफ होने वाले
क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्र का क्षेत्रफल। आप ऐसा सीधे लिख देते कितना होता, नहीं होता, सीधा कैसे लिख दीजिएगा, सीधा लिखने से काम नहीं चलने वाला है, जब लिखना पड़ेगा। क्या कै गो है गुहार, कै गो गुहार है, एक गो दू, कै गो है दो गुण। अब बोला क्षेत्र कितना होता है, होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला ये ना होता हम लोग का, दो से गुना काला किए हैं, तीन गुना आया तो ये गुण आया तो एक से गुना नहीं रहेगा तो काला निकाल। चलिए दो गुण थीटा कितना है 115 बटा 360 गुण पाई का मान, आर का मान कर लीजिए सॉल्व, काटपुट कीजिएगा एकदम डायरेक्टली, काटने के बाद जो आएगा वही एक एकदम खट से मिलेगा। किसमें निकलेगा सेंटीमीटर जाएगा हम लोग, कितना है पति में निकलेगा बोलो ना जी, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। अधिकार अरे चले याद है ना, सिंपल है ये लैंग्वेज, कहाँ से लिखना है बुक से, एग्जाम में क्वेश्चन में देख के, एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ाएगा वही में से क्वेश्चन देख के, युक्त का क्षेत्रफल निकाले, क्षेत्रफल बराबर जो चीज रहेगा, खेत खेत, मैदान तो मैदान, बुहार तो बुहार, जो रहे चांदी का सिक्का कुछ भी, छतरी का कमानी जो रहेगा वो देख रेख में आएगा। अपने मन से मार देंगे तो नहीं हुआ, अपने मन से मारिएगा, पांच नंबर कराएगा सीधे एक नंबर का रूल में काट लेगा, बोले फालतू में कट गया आपका है, इतना मेहनत से पढ़ना पड़ता है, गाँव वहां से सीखना पड़ता है, और एग्जाम में गए तो गए बोले ध्यान दीजिए। जहाज को समुद्र के जलस्तर के ठीक नीचे चट्टान की चट्टानी देने वाला एक लाइट हाउस बनाया गया है 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के भाग का क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जहाज की चट्टानी दे सकता है। देखिए बुआ, एक समुद्र है, समुद्र में कई जहाज आते हैं तो उसमें लगा लगता है लाइट हाउस, पढ़े हैं आप लोग लाइट हाउस के परावर्तक सतह के रूप में, इसका प्रयोग क्या था, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद आया, तो एक सर्च लाइट है, तो वो क्या करता है जहाज के, जहाज को बताता है कि नीचे बर्फ का चट्टान है, उधर से आओ उधर से आओ, तो उसको सर्च लाइट ऐसे ऐसे है, लाइट समुद्र में ऐसे घूमता है, कितना किलोमीटर जाता है समुद्र में जब घूमेगा तो कितना दूरी तक देखेगा वो खराब तरह, तो करा है कितना 16.5 किलोमीटर दूरी, 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाइट सर्च कर सकता है, कितना दूर लाइट कर रहा है उसका 16 किलोमीटर, मतलब यहाँ से सीतामढ़ी से जाए, सीतामढ़ी यहाँ से सीतामढ़ी का दूर जाता है प्रकाश, उसका सीता शिवा से सीतामढ़ी दूर इतना दूर प्रकाश जाता है इसे, और कितना डिग्री में घूमता है वो 80 डिग्री घूम सकता है। अब इसके बीच में जो भी जहाज आएगी वो पता करके बताएगी भैया इधर से मत आओ, उधर से फोन करके भैया इधर जहाज आ रहा है और ठीक है इधर से कट लो, या बड़ा चट्टान है टकराओगे तुम्हारा भी वही हाल होगा जो टाइटेनिक का हुआ था, डूब जाओगे। जहाज जो चलती है ना तो खतरा होता जाता है, किस चीज का, बर्फ की चट्टान से खतरा होता है, उसको पानी जम जाता है तो बर्फ बनता है, अब बर्फ चट्टान नीचे अगर मान ले तो कोई समुद्र से बर्फ का चट्टान है और जहाज से टकराएगा तो नीचे का पेनी फूट जाएगा, पेनी फूट जाएगा तो पानी भर जाएगा तो डूब जाएगा ना, वो टाइटेनिक डूब गया था, बहुत सारा जहाज डूब जाता है, उसे चट्टान से कोई भी टकराएगा ना तो वो ना फूटेगा ही फूटेगा, जानवे कहते जहाज पानी के नीचे बहुत नीचे होता है, लगभग 20-25 मीटर नीचे होता है, 40 मीटर तक नीचे होता है, मतलब 4-5 मीटर जहाज पानी के नीचे चलता है, पानी उतना उतना नीचे रहता है पानी का अंदर, तो टकराएगा तो फूटने जाएगा उसका, फूटेगा तो नीचे फूटेगा तो ऊपर बचा लगेगा, पानी भरेगा नीचे से भरना शुरू हो जाएगा, वैसे डूब जाएगा वही, इसीलिए इस सर्च लाइट बनाया है, अंदर में आने वाले जहाजों को पता करता है, कैसा रहता है नजर रखता है, पता क्या ये लाइट यहाँ से लाइट बड़ा मक्का लाइट का रहता है, इसमें लाइट ऐसा रहता है अब ना, समुद्र है ना समुद्र से है ना, समझ में आ रहा है। तो अब है कि हमको क्षेत्रफल निकालना है, उतना दिमाग हमको जैसे बता दिया जानकारी के लिए बता दिया कि हाँ ये सर्च लाइट क्या होता है, अब हमको सवाल दिया थीटा ही दिया और आर दिया हुआ, हमको आर थीटा से मतलब आर कितना हुआ इसका 16.5 किलोमीटर,
थीटा कितना है और क्या निकालना है, एक चोरी करना है किताब से भाई लैंग्वेज, क्या निकालना है? समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल निकात कीजिए, बल्कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सकती है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल क्या, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल जिसमें जहाजों का चेतावनी दी जा सकती है, जिसमें जिसमें जहाजों को चेतावनी चेतावनी लिख रही है, चेतावनी चेतावनी क्या दी जा सकती सकता है, सकती सकती है उसका क्षेत्रफल दी जा सकती है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाज बराबर क्या हुआ थीटा बटे 360 में, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, इतना लैंग्वेज आप याद तक रखिएगा, बोलिए याद तो रखी है नहीं, किताब क्वेश्चन से निकालने का चीज होता है और इससे आप सब कुछ पता है, थीटा कितना है 80 गुने 360 पाई का मान 3.14 आठ कर लीजिएगा, दशमलव से डर लगे तो इसको दशमलव उड़ा दीजिएगा, एक पर दो हो गया उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए दशमलव खत्म हो गया, अब 314 हो गया, 165 हो गया, 165 आप काटकुट करिए है ना, पांच से कटवे करेगा कटिए जाएगा बेचारा, सबको काट उठा के और नहीं कटेगा तो ऊपर से ऊपर गुना नहीं जिनसे गुना करके भाग दे दीजिएगा, बन जाए कि बना दे बन जाए, चलिए थोड़ा बन जाए, मेन यही चीज समझना था। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 13 में आते हैं, चौबीस में आते हैं तो कभी खत्म हो जाएगा, अभी कोई समझ एक गोल मेज, अरे भैया एक गोल का टेबल है समझ गया, ऊपर डिजाइन वाला है अति बिछाना है जाजी, मेज पोस माने होता है जो मेज पर बिछाने वाला जाजिम को मेज पोस कहते हैं, क्या कहते हैं मेज का पोसा, मेज पोस क्या कहते हैं, टेबल के ऊपर से कपड़ा बिछाना है समझ गए, तो डिजाइन वाला कपड़ा है तो करते हैं आदमी तक डिजाइन खाना नहीं खाना डिजाइन देखा डिजाइन डिजाइन कह सकता है, कई बार डिजाइन वाला आईने आईने बनाया गया है वृत्त खंड है, क्या है वृत्त खंड, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या त्रिज्या दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ और कैगो है, कैगो है छो डिजाइन बनाना है भाई, छो डिजाइन एक डिजाइन दो डिजाइन तीन डिजाइन चार डिजाइन पांच एक दो डिजाइन तीन डिजाइन चार डिजाइन पांच डिजाइन हो जाएगा, एक डिजाइन दो डिजाइन तीन चार पांच ओके, ये डिजाइन का क्या डिजाइन, ये डिजाइन नंबर ले लो, देखा डिजाइन ला डिजाइन ऐसे डिजाइन नंबर ले लो, दो डिजाइन डिजाइन बना के हम लोग प्रधान बना रहे ऐसे खाने का डिजाइन कौन करना था, डिजाइन बनाएंगे प्रधानी हो रहा ये डिजाइन है समझ गए, पुरानका बोले का डिजाइन ऐसे पूरा हम लोगों नहीं करेगा ना, ये डिजाइन है ये हम अपने मन के लिए पिज्जा पिज्जा बनाने को है ना, डिजाइन ये वाला कहीं नहीं नहीं कहता नहीं कहीं नहीं कहता नहीं, अब बड़ा इसका क्षेत्रफल निकाले एक और एक और एक और एक और एक और सब पर निकालेंगे, सब एक लेखन है, ये निकाल के सौ से गुना कर लेंगे, ये निकाल के क्या करेंगे सीधा ना चले हैं, बुर्बक समझता है आप लोगों को बताइए क्या बुर्बक क्या है, सीधा निकालेंगे सीधा सीधा कैसे निकालेंगे,
कितना है पूरा? कै गो है? इतना निकालने का देने देता है, कितना निकल गया? 60 डिग्री के लिए। टीका निकाल कर नहीं सोच रहा है मुर्गा पर लिखा चल रहा है, टीका निकालने ही नहीं आएगा, तो पते नहीं लिखा दम माजल है। तो लिखेंगे एक कौ डिया निकला है छो क्या लिखे? अभी डिजाइन का खर्चा निकालना है, खर्चा पर्चा निकालना है भाई, क्षेत्रफल निकाल के तब खर्चा निकालेंगे ना। तो लिखेंगे छह डिजाइनों का क्षेत्रफल, क्या छह डिजाइनों का क्या होगा? छ गुने ठीक खंड है, भूल जाते हैं खंड में आने पर फॉर्मूला करता होता है, हनुमान जी का लंबे का फॉर्मूला होता है ना लंबा, अभी छ लगा देते हैं अभी बता, छ गुने क्या थीटा बटे 360 गुने फाइव आर स्क्वायर माइनस आर साइन थीटा कितना लगा पिटाई खा गया के चक्कर में, याद नहीं हो रहा था, अब याद हो गया होगा सबको, इतना देखा है तो आपको सब हमारा समाता होता था बहुत लिखते हैं थीटा छुने थीटा कितना रखे 60 बटे 360 गुने पाई तमान नहीं दिया रहेगा तो 22 बटे 60 आर स्क्वायर कितना है 28 है, 28 गुने 28 हाँ फिर 28 गुने 28 देखिए इतना तालिका जो देख के हट भी बढ़ जाता है, आई पता नहीं बहादुर लिखा सरकार को कर लेता है, साइंस 60 का मान लिया पहले से पता है, मार पीट के सब याद रहा दिया तो याद रहा है से काम कर रहा है, किधर ये काटता है छो से छो काट देता है, साथ में साइंस में अलग है भाई ने यहाँ माइनस आया हुआ क्या है माइनस इन्हें काली वाला इन्हें काली वाला सॉल्व करके वादा करके बता कर दूरी करके इधर ले चलिए करके निकाल दीजिएगा, हम मान लिए कि एक साथ क्या गया एक सेंटीमीटर में सेंटीमीटर निकालिएगा ना, हम मान लेते हैं काट कुट करने का छोड़ देता आपको, आप खुद कीजिएगा है ना, अब क्या करना है कि इसका खर्चा निकालना है, खर्चा बर्चा बताइए तो कह रहा 3.035 क्या 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने में लगा खर्च, डिजाइन बनाने की लागत, बनाने की खर्च नहीं लागत है, लागत कितना खर्चा हो रहा है बनाने में, ये लेना ना गलती हो गया ऊपर इतना, एक सेंटीमीटर डिजाइन बनाने में खर्च कितना लग रहा है 0.35 तो हमारे क्षेत्र में कितना है इसीलिए एक सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने की लागत कितना होगा एक्स गुने 0.35 रुपया जाएगा, जितना क्षेत्रफल निकलेगा हमें 0.35 रुपया से गुना कर देगा टेंसर, एकदम आना फिक्स है, न आए ऐसा हो ही नहीं सकता, आना पड़ेगा आएगा ठीक है ना। चले आगे, ये आपको बनाना है अपने से भर जाके, हम आइडिया बता रहे हैं, 14 नंबर का लास्ट क्वेश्चन यही है, प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आर वृत्त वाले उस प्रीति खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका हाट भी पड़ गया हो तुर्ति के नाम से थीटा और पी डिग्री, छुट्टी आप सोच रहे हैं लास्ट वाला क्वेश्चन है छुट्टी होने वाला है, एकदम हाट भी एकदम थमा नहीं रहा है, मस्ता से आना शुरू हो जाए, त्रिज्या कितना दे रहे हाट, त्रिज्या दे रहे कितना त्रिज्या बराबर आर और थीटा कितना दे रहा है थीटा संख्या का कमी है तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा कटेगा तीन संख्या
तेज खंड का क्षेत्रफल कितना आधा हुआ? तेज खंड का क्षेत्रफल होता है क्या हुई? कितना बटे 360 गुणे थीटा कितना है? तीन। पी बटा 360 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे आर स्क्वायर हो गया। अब ये ऑप्शन है या नहीं है? ये ऑप्शन नहीं है इसमें, नहीं है तो बी नंबर में देखिए, तीन नंबर में देखिए, पता ना कौन आया। अब इसको देखना पड़ेगा हमको कौन कौन है। अब ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ? बी बटा 180 बोलिए क्या ये होगा? दूसरा बी नंबर, बी बटे भी नहीं है, सी नंबर बी बटे 300 2 पाई है, वो भी नहीं है, और डी नंबर ये ना है बी बटा 400 हुई है। अब उन्हें चकमा देने के लिए दे दिया, तो बता चकमा कहा जाए तो पता नहीं कैसे काटे, दूसरे काटे थे कितना है, ये कितना है कितना बी बटे 360 गुणे ये हलिया है देखना यहाँ पर बी बटे 360 गुणे खाली क्या किया दूसरे गुना का भी है ताकि करेगा दिखाई ना दे बड़ा 360 लेकर से कोई ग्रह मिल गए 360 पाई में कोई लेकर से चीज आने वाली हो खाली गलती हो जाए साइड में टू वही में है तू नहीं ना ताकि सोचे ही नहीं होता था इसलिए कभी कभी एग्जाम में देगा ये ऐसे देगा कहेगा वृत्त का क्षेत्रफल कौन है इसमें ट्रेन दे रहे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है ऐसे मिलेगा तो कहेगा है कि नहीं है ये 302 काटेगा कितना है ऐसे चार अच्छा कभी ऐसे देगा चार गुणे 5000 स्क्वायर बटे 4 बिल्कुल कटे पर है कि नहीं पाई चार कितना है ऐसे घुमा फिरा के देगा क्या करिएगा सोचने को मंजूर कर देता हूँ इसे थोड़ा आना नहीं चाहिए बड़े कौन काम है आपको पूरे सवाल में जब पहुंचाना है।